खबर दिल्ली से। जिला जांजगीर चांपा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चुनीलाल साहू भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय नई दिल्ली पहुंचकर 20 अगस्त चल रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित उनके संपूर्ण जीवन काल के जीवंत चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय पहुंचकर नेता देव भाव विभोर होकर राजीव के चित्र प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस को साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि गांधी से लेकर गांधी तक त्याग तपस्या बलिदान का इतिहास भारत में देखने को मिलता है। देश की आजादी से लेकर भारत को सजाने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने प्राण की आहुति दे दी। आज यह चित्र प्रदर्शनी हमें त्याग की प्रेरणा देता है। राजीव गांधी के सपनों का भारत को पूर्ण रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। चंद्राकर ने कहा कि उन्हें झीरम घाटी में नक्सली हमले में गोली लगी, यह त्याग समर्पण की प्रेरणा उनके पसंदीदा नेता गांधी परिवार से उन्हें प्राप्त हुई। चित्र प्रदर्शनी अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कहा कि आधुनिक भारत के जनक कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज के सच्चे जनक भारत रत्न राजीव गांधी सही मायने में देश की तरक्की और जन जन के विश्वास के प्रतीक थे। भारतीय युवा कांग्रेस ने राजीव के जीवन पर हर एक पहलू को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर देश को एक महान नेतृत्व का स्मरण कराया है। युवा कांग्रेस द्वारा लगाए गए चित्र प्रदर्शनी प्रेरणादायी है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इन दिनों दिल्ली प्रवास है। उन्होंने इससे पूर्व मथुरा वृंदावन पहुंचकर योगीराज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव महोत्सव जन्माष्टमी पर कृष्ण दर्शन लाभ भी प्राप्त किया। के साथ नौजवान
फेसबुक। राजीव गांधी जी की चित्र प्रदर्शनी का आयोजन युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के नेतृत्व में की गई है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के चित्र प्रदर्शनी में मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर जांजगीर चांपा से हूं। मैं इस जगह से NSY यूथ कांग्रेस करके मैं राजनीति की शुरुआत की है और मेरे प्रिय पसंदीदा नेता कोई रहे हैं तो गांधी परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सहित तमाम महात्मा गांधी जी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपने प्राणों का आहुति देकर इस देश के लिए प्रगति और उन्नति विकास के लिए लगातार गांधी परिवार अग्रसर रहे, ऐसे गांधी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। खून बहाकर देश की सेवा की है इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। आज चित्र प्रदर्शनी देखकर निश्चित तौर पे मन में इतना उत्साह है कि गांधी परिवार ने देश के उन्नति में बेहद काम किए हैं। एक एक हम लोग देख रहे थे देशों में, विदेशों में कैसे काम करना है, किसानों के बीच में कैसे बात करना है, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, ऐसे महान बिरले लोगों का मैं आज प्रणाम करने आया हूँ धरती में, दिल्ली के धरती में। और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे प्रदर्शनी करके हम जैसे युवाओं को एक आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत,